नमस्कार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई e विद्या और एनसीईआरटी -E का ऑफिशियल चैनल हम हाजिर है लेकर सोशल साइंस का लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर जो कि है क्लास सिक्स का यानी चैनल नंबर छह पर आप हमें देख रहे हैं लाइव इंटरेक्टिव सेशन है तो आप भी हमारे साथ जुड़े एट एट जीरो जीरो फोर फोर जीरो फाइव फाइव नाइन इस नंबर का आप प्रयोग कर सकते हैं यदि फोन करना चाहते हैं कोई प्रश्न है कोई जिज्ञासा है सीधे हमारे एक्सपर्ट के साथ जुड़े हमारे साथ स्टूडियो में श्री अशोक कुमार गुप्ता जी हैं आप पीजीटी हिस्ट्री हैं केंद्रीय विद्यालय द्वारका सेक्टर पांच में अशोक जी नमस्कार आपका बहुत नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है नमस्कार। और अब हम मेरा जो सवाल है एक तो सोशल साइंस का हमारा सामाजिक विज्ञान का हमारा आज का ये सत्र है पहले हम इसका एक पार्ट कर चुके हैं इसका जो टाइटल है जो शीर्षक है वो मैं आप सबको बता देता हूँ आर कंट्री इंडिया हमारा देश भारत पहले पार्ट में हमने क्या कवर किया था वो एक बड़ा थोड़ा सा बच्चों को आप रिकाए और फिर हम अपना आज का शुरू करें सत्र जी सर चलिए मैं पहले तो सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ और ये हमारी छोटी क्लासेज हैं और छोटे बच्चे हैं और बच्चे बहुत पहले इसमें फर्स्ट सेशन इसका हो चुका था और मैं आपको स्लाइड के थ्रू ये बताऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हो चुकी थी और हमें क्या चीजें उसमें इम्पोर्टेंट थी एक बार उसको मैं समराइज करूंगा ताकि आप उसको पुनः पूर्व ज्ञान से अपने आप को केंद्रित करें तो ये स्लाइड के थ्रू आप देख सकते हैं इसको इसमें इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है सर इसमें इंडिया के बारे में और इसमें जो हम लोगों ने पहले कवर जो किया था इंडिया के लोकेशनल सेटिंग के बारे में हम लोगों ने कवर किया था और इसमें हम लोगों ने बात किया था कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना है और साथ में इसका एक्सटेंशन कितना है जैसे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंशन कितना है एंड एक्सटेंशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो वहां पर इस चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एरिया वाइज कितना है इंडिया एंड व्हाट इज अ पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड तो फिर मैं बच्चों को यह बात कहना बताना भी चाहूंगा कि इंडिया का पोजिशन जो है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया hmm. अब इसमें जो इफ क्वेश्चन विल बी कम इन योर एग्जाम कि हाउ मनी पोजिशन ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड तो स्टूडेंट नेचुरली यू कैन सेकेंड पोजिशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हुँ. अब मैं इनको आगे की तरफ ले जाना चाहता हूं और यहाँ पर भी हम लोगों ने बात किया था जैसा मेरा अपना स्लाइड है कि वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन की जो बात करें तो चाइना के बाद इंडिया का पोजिशन आता है हुँ. और इंडिया का पोजिशन अगर चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है हुँ. तो इंडिया का भी पॉपुलेशन जो है मोर देन वन हंड्रेड थर्टी एट हंड्रेड करोड़ और यहां पर जब अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड में कई ऐसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं जिसमें हम अमेरिका की बात करेंगे या इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें बांग्लादेश की बात करें और कई ऐसे इंडोनेशिया की बात करें मलेशिया की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया में केवल अकेले 16 से लेकर 20 कंट्री समाहित हो जाएगा जो बड़े बड़े पॉपुलेटेड कंट्री है तो यहां पर हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे नहीं सॉरी पढ़ चुके हैं अब चूंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है हम लोग को समय भी कम मिलता है इसलिए मैं अब आगे एक तरफ ले जाना चाहता हूं

फ्रॉम द इक्वेटर नॉर्दन हेमस्फियर एंड साउद हेमोस्फियर तो हमने देखा कि फोर हेमोस्फियर है नॉर्दर्न हेमोस्फियर साउदन हेमस्फियर ईस्टर्न हेमोस्फियर एंड वेस्टर्न हेमोस्फियर तो इस तरह से अगर हम देखते हैं क्योंकि लोकेशनल सेटिंग इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एनी कंट्री इन द वर्ल्ड और यहां पर अगर हम देखते हैं इंडिया का पोजिशन बार बार जो एग्जाम में पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का लोकेशनल सेटिंग जो है वर्ल्ड में कहां पर है और कितने लॉन्गिट्यूड से लेकर और कितने लॉन्गिट्यूड तक इसका फैलाव है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां अगर हम देखते हैं कि इंडिया जो है अगर हम इसको साउथ की तरफ इंडिया इज दॉर्थन और नॉर्थन हेमोस्फियर के साथ साथ इंडिया सेचुएटेड इन ईस्टर्न हेमोस्फियर और ईस्टर्न हेमोस्फियर में हम इंडिया सेचुएटेड है न एमोस्फेयर में और इसका स्टैंड जो विस्तार है वो ये साउथ के तरफ से अगर हम देखें ट्रॉपिकल सॉरी इक्वेटर हम देखें तो इंडिया का ये ग्लोब में पोजीशन जो होगा 80 डिग्री फोर से लेकर जम्मू कश्मीर का जो एरिया आता है 37 सेवन डिग्री सिक्स तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारा लेटिट्यूड इसका विस्तार है जिसको हम अचानक विस्तार के रूप में भी हिंदी में हम कहते नहीं। हैं।, हैं, नहीं। हैं और अगर इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूडनल की जो बात करेंगे जिसमें कि इसका देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो इंडिया जो है ईस्टर्न हेमोस्फेयर में है जिसको पूर्वी देशांतर के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये जो है मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है अपने द्वार जो गुजरात का जो पार्ट है वहां पर इसका जो पोजीशन है वहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका पोजिशन सिक्सटी डिग्री सेवन ईस्ट

वेस्ट है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है क्योंकि टाइम हमारा जो है टाइम रिडियन टाइम जो है वो डिपेंड करता है इसी पर जो लॉन्गनल सेटिंग है जी। तो यहां पर आप बच्चे आप देख सकते हैं इसको जरूर याद रखेंगे ये एग्जाम में पूछा जाता है छोटे क्लास के बच्चों से भी लगभग फोर और फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे आ सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ लेकर चलते हैं आपको कभी कभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारा सेकेंड जो टॉपिक है पार्ट टू का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान देना है इसमें हम लोग को पढ़ना है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जिसको ये, मध्यांग रेखा भी बोला जाता है क्योंकि नहीं कर्क रेखा साहब अलग होगा मैं इसको अगर कर्क रेखा की बात करेंगे तो मैं यहां लेकर चलता हूं मैं कर्क रेखा जो होती है ये इंडिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कर्क रेखा जो होता है पूरे वर्ल्ड में ट्वेंटी थ्री एंड हाफ से ये गुजरता है ये कर्क रेखा और ट्वेंटी थ्री एंड हाफ से जब ये रेखा गुजरती है तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कर्क रेखा हमारा जो है गुजरात से लेकर थोड़ा सा पार्ट आपको साउथ पार्ट जो है राजस्थान को टच करता है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश ऐसे होते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ त्रिपुरा की तरफ निकल जाता है तो रेखा इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट जून को सन का जो पोजिशन होता है ये रेखा ऊपर होता जी, जी। है और ये इंडिया के ऊपर होता है इसीलिए ट्वेंटी फर्स्ट जून को बहुत बड़ा दिन होता है और गर्मी भी ज्यादा पड़ती है हॉट क्लाइमेट होता है उस समय और ये कर्क रेखा चीजें जो अलग है अच्छा कर्क रेखा का भी वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड में ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ को कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इक्वेटर से साउदर्न में अगर हम जाते हैं साउदी थर्ड एंड हाफ जो होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कोप्रिकॉन कहते हैं जिसको मकर रेखा के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कोप्रिकोन के बीच में जो ये एरिया जो होता है इसको टोरिट जोन एरिया कहा जाता है और दैट एरिया इज द रिसीविंग लाइट एंड टम्परेचर फ्रॉम सन क्योंकि दैट एरिया इज द नियर द सन कंपेयर द अंदर नॉर्दन पोल एंड साउथ पोल क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल फार अवे फ्रॉम द सन दैट इज वाई देयर इज द कोल्ड क्लाइमेट वहां पर बहुत टू मच वो कोल्ड क्लाइमेट होती है और वहां पर फ्री जोन एरिया होता है क्लाइमेट क्या फ्रीज जोन एरिया होता है जबकि ये ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ नॉर्थ से लेकर ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ साउथ के बीच में जो इक्वेटर के आसपास का एरिया जो होता है इसको हम टॉरिड जोन एरिया कहते हैं और ये एरिया जो होता है हेवी लाइट और टेम्परेचर रिसीव करता है और यहीं पर हेवी रेन भी होता है इसीलिए यहां पर एवर ग्रीन फॉरेस्ट यहां पर पाए जाते हैं तो इसलिए उसका एक अलग रोल है नेक्स्ट ये इंडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की अब हम इस पर बात करेंगे बच्चों इसको ध्यान से आपको समझना होगा और समझने के लिए आपको ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे इंडिया का इतना विस्तार है अगर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जो कि गुजरात तक का पार्ट जो होता है 29 डिग्री का लमसम विस्तार है ये और 29 डिग्री में हमारा टाइम का अंतर आ जाता है ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट में और यही कारण है कि ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो वहां पर टू आवर राइज इज इन द अरुणाचल प्रदेश कंपेयर यही कारण है कि 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 का लोकल टाइम अगर देखेंगे तो वो घंटा होता है है एक चीज और मैं यहां बताना साहब जी पर स्थिति ये होती जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारे गुजरात के बच्चे जो होते हैं अभी बेड छोड़कर ब्रश करते हैं ये हालत होती है क्यों क्योंकि सनराइज पहले वहां होता है हाँ ईस्टर्न पार्ट में होता है बिकॉज ड्यू टू द मोशन ऑफ

ये जो होता है प्राइम रेडियन लाइन है क्योंकि इंडिया को ये बीच में ये पार्ट ये कवर करता है ये उसी से हमारा टाइम का कैलकुलेशन होता है पूरे इंडिया का इंडिया के एक स्टैंडर्ड टाइम होता है और ये स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ये इसी आधार पर होता है यहां पर आप देख सकते हैं एटी टू एंड हाफ जो है ये ईस्टर्न प्राइम मेरिडियन लाइन के अगर हम बात करें वहां से कम, अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया का ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है और 82 टू एंड हाफ जो है ये इलाहाबाद में एक जगह है और उस जगह का नाम है मिर्जापुर जहां से ये कॉर्कुलेशन किया जाता है पूरे हमारे इंडिया का टाइम और यही कारण है कि स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का वहां से कैलकुलेशन करते हैं इसका कारण है कि ये पार्ट जो मिर्जापुर जो है इंडिया के मिड में पड़ता है मध्य में पड़ता है और वहां का टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें कंफ्यूजन पूरे इंडिया में नहीं होगा तो इसलिए बच्चे ये याद रखेंगे इस चीज तो ये एक और क्वेश्चन आपने बना दिया यहाँ पर कि भारत जो है यदि मध्य बिंदु देखा जाए तो वो मिर्जापुर में जी पाया जाएगा जी 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 पर आप जाएं, तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जी जी बहुत एक अच्छी नॉलेज चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या खास है आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो आपके लिए लेकर आए हैं आर कंट्री इंडिया ये विशेष इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ पार्ट है और जब आप ये सब चीजें जानते हैं क्योंकि हम जब घूमने जाते हैं जब कहीं हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं जैसा कि अभी अशोक जी ने भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जब जाते हैं तो वहां सूर्योदय पहले होता है और जब वहां पे बच्चे स्कूल पहुंच चुके होते हैं तब वेस्ट में बच्चे सोकर उठ रहे होते हैं तो ये वाकई अच्छी विविधता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये होता है कि अर्थ जो होता है टू आवर्स का डिफ्रेंशियज क्यों होता है कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो यहां बच्चों को मैं बताऊंगा मैं अगर आप ध्यान दें तो मैं आ, इस पर आपको देखकर बता सकता हूं मैं कि जैसे अगर इंडिया का जो होता है अगर हम देखते हैं कि एक डिग्री वन डिग्री जाने में अर्थ जो होता है मोमेंट में फोर मिनट्स का टाइम लेता, लेता है जी तो वन डिग्री जाने में फोर मिनट का है तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड जो आप देखेंगे यहाँ पर जो अगर वर्ल्ड वर्ल्ड में इसका पोजीशन इंडिया का जो है इस वो ईस्टर्न हिमस्फेयर में है और ईस्टर्न हिमस्फेयर में जो इंडिया का पोजीशन है वो यहाँ पर है और यहाँ पर है तो ये एट डिग्री फोर से लेकर थर्टी सेवन डिग्री सिक्स ये जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया मगर अगर हम यहाँ देखें कि सिक्सटी डिग्री जो आपको ये गुजरात का सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट डिग्री जहां से स्टार्ट होता है और वो अरुणाचल प्रदेश तक जो जाता है इसमें हमारा टाइम का अंतर जो देखेंगे तो ट्वेंटी नाइन डिग्री का डिफरेंज होता है बिल्कुल। तो अर्थ इज द टेकिंग दिन टाइम फॉर द कंप्लीट ऑफ द वन डिग्री राइट तो वन डिग्री जाने में फोर मिनट का टाइम लगता है बच्चों तो अगर हम देखते हैं कि 15 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा तो so 15 मिनट 15 इंटू फोर इज टू सिक्सटी मिनट यानी कि अर्थ का मूवमेंट जो होगा 15 डिग्री तक अगर मु, मु, उसका कर रहा है मूवमेंट हो रही है तो इसमें हमें लगेगा टाइम कम से कम एक घंटा क्योंकि तो ट्वेंटी लेकर अगर हम थर्टी लेते, लेते हैं तो थर्टी लेते हैं तो थर्टी इंटू फोर इजकल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट और 120 मिनट को अगर हम आवर्स में बदलते हैं क्योंकि 60 मिनट का वन आवर्स होता है तो ये आपको आ जाएगा टू आवर्स तो इसलिए अर्थ इज द टेकिंग सॉरी मैं ये कहना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश देयर इज द सनराइज टू आवर्स अर्लियर कंपेयर गुजरात ड्यू टू रोटेशन ऑन एक्सिस क्यों ये लेता अपने केंद्र पर अर्थ को घूमने में चौबीस घंटे ही क्यों लगते, लगते हैं।, हैं तो इसमें भी यही फॉर्मूला यूज किया जाएगा वन डिग्री जाने में फोर मिनट होगा तो पूरे अर्थ जो ये सर्कल जो है अगर हम ये देखते हैं इस पर तो ये देखिए यहां सृष्टि अगर ये देखे पूरा सर्कल जो होता है वो थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री का होता है था। और थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री का होता है पूरा एक सर्कल जो होता है और अर्थ जो होता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री में है तो वन डिग्री जाने में अगर इसको फोर मिनट लग रहा है तो थ्री हंड्रेड सिक्सटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देखेंगे थ्री हंड्रेड सिक्सटी इंटू फोर मिनट इज टू वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी मिनट तो 1440 मिनट्स मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज़ 60 मिनट का वन आवर होता है तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 24 फोर आवर जो होता है ये लगता है। तो टेकिंग 24 और चौबीस घंटा लगता है नहीं तो अर्थ अगर इसका अगर साइज कुछ और होता तो कहीं समय कुछ और तो रोटेशन में ज्यादा समय, समय लगता तो हमारी घड़ी जो है कुछ सत्तर मिनट की होती या अस्सी मिनट की होती है बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जैसे हमारी दैनिक दिनचर्या से जब आप जुड़ते हैं तब आपको ये सब पता लगता है और यही सोशल साइंस है हमारे आसपास का विज्ञान है वही सामाजिक विज्ञान है

कुल खानदान के भी हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो हम कुल खानदान को अपने नहीं भूल सकते हैं <laughs> yeah. 1947, में ये सब हमारे इंडिया के और इवन की हम ये भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान जो आज अलग है ये भी एक इंडिया का पार्ट हुआ करता था शोका के पीरियड में मौर्या के पीरियड में और इवन की औरंगजेब के पीरियड में भी मुगल एम्पायर के समय में भी अफगानिस्तान इसका पार्ट हुआ करता था तो हम देखते हैं कि आप पड़ोसी देशों में ये देख सकते हैं आपके में भी अफगानिस्तान जो होता है इंडिया को जम्मू कश्मीर का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको ये टच करता है नॉर्थ साइड से वहीं पर हमारा दूसरा एक के मुल्क है जो हमारा भाई बंधु है और अभी भी छुड़ा हुआ है और ये है पाकिस्तान ये जो है इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट पार्ट से इसका हमारा पड़ोसी देश के रूप में अपने एक पड़ोसी होने के नाते अपना जिम्मेदारियों का निर्वाह और कर्तव्यों का निर्वाह करता है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके बाद तो यहां चाइना देखेंगे यह बहुत बड़ा हमारा एक मित्र है और इसके द्वारा हमारा एक ट्रेड रिलेशन बहुत एक अच्छे पॉइंट पर चलता है और हमारे देखने में अगर देखा जाए तो जीडीपी वगैरह जो होता है चाहे चाइना का हो चाहे इंडिया का हो वहां के ट्रेड के ऊपर भी डिपेंड करता है ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेपाल हमारा जो है जो हर कदम में सुख और दुख में हमारा साथ में रहा है और वो नेपाल हमारा इसका एक अलग देश होता है हम मैप की तरफ देखकर बच्चे इसमें बात करेंगे तब आपको ज्यादा इसमें समझ में आएगा तो नेपाल और अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना भूटान जिसका कि हम कोई तुलना नहीं है भूटान जैसा दोस्त भगवान सबको दें और ऐसा दोस्त जो हमेशा हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलता है और ये भी हमारा एक पड़ोसी इसके बाद बांग्लादेश जिसका जन्म भी इंडिया का देन है अगर भारत नहीं होता तो आज बांग्लादेश का नामो निशान नहीं होता मुजफ्फुर रहमान को अगर इंदिरा गांधी ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती तो आज जो बांग्लादेश का जन्म जो हुआ है वो इंडिया का कारण ही है और आज ये बांग्लादेश जो होता है जिसको हम ईस्ट बंगाल के रूप में पहले आइडेंटिफाई करते थे और जिसका विभाजन जो होता उन्नीस सौ ईस्वी में अलग कर दिया गया था तो ये भी हमारा आज एक पड़ोसी देश के रूप में है और एक और जो है हमारा जो सीमा लगता है हमारे देश का वो है म्यांमार जिसको हम बर्मा के रूप में हम जानते हैं तो ये देश जो है ये भी हमारा ये पड़ोसी देश है तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो ऐसे हैं कि जो कि हमारे ये हमारे पड़ोसी देश हैं और दो ऐसे कंट्री है जो हमारे ये के के नेवर्स रूप में इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं जो के रूप में द्वीपीय हमारे पड़ोसी देश हैं आईलैंड मालदीव का नाम और श्रीलंका का नाम आता है और श्रीलंका को हम भूल भी नहीं सकते क्योंकि हमारी संस्कृति भी श्रीलंका से जुड़ी हुई है जब भी राम की बात होगी जब भी रामायण की बात होगी तो कहीं ना कहीं रावण का बात चलेगा बिल्कुल और श्रीलंका जो है हमारा ये अच्छा पड़ोसी देश है और श्रीलंका में जाने के लिए यहीं पर वो राम सेतु जो है यहीं पर बना हुआ जिसको धनुष कोटी के रूप में हम रामेश्वरम में आइडेंटिफाई करते हैं और वहां तक जाने के लिए ये रूट आज भी वहां पर एविडेंस देखने को मिलता है सर अब हम नेक्स्ट अब बताना चाहेंगे राहुल जी, जी कि ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बिना हमारे ये कंप्लीट भी नहीं हो सकता और ये पॉलिटिकल की बात किया जाए तो यहाँ छोटे क्लास के बच्चों में in ट्वेंटी तो कुछ कुछ में बच्चे घट गए ट्वेंटी एट स्टेट हो गए ट्वेंटी नाइन की जगह तो ये भी सोचने वाली बात है और ये हमारे भारत की एक मुस्कान है और एक विजय है कि 28 एट स्टेट होते हुए भी आज हम हमें मतलब कि हम लोग वो वियता बने हुए हैं पहले से बेहतर स्थिति में यूनाइटेड दिखाई दे रहे हैं जी उस समय 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी होता गीज़ था केंद्र शासित प्रदेश और 29 हमारा राज्य हुआ करता था गीज़ 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 आज ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है अब इसमें मैं ये कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर को तोड़कर 370 धारा जब वहां से हटाया गया तो वहां पर 29 की जगह 28 स्टेट कर दिया गया और यहां पर जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख को दो यूनियन में बांट दिया गया तो जब दो यूनियन टेरिटोरी होगा तो सेवन और टू नाइन होना चाहिए मगर अभी इंडिया में एट यूनियन टेरिटोरी मतलब कि आठ केंद्र शासित प्रदेश है मगर ये क्यों है एक कहा ये कहा गया क्यों नहीं है जी।, जी तो इसके लिए बच्चे जो अभी बहुत हमारे बच्चे जानते भी होंगे नहीं जानते हैं तो आप इस माइंड में अपने आप को बैठा लें मानस पटल पर स्पष्ट रूप से इसको अंकित कर लें कि उस समय सेवन होता था उसमें एक था दीप दादर नागर हवेली और दीप को मर्ज कर दिया गया इस कारण से सेवन के जगह वो सिक्स हो गया और दो यहां से जुड़ गए हाँ जुड़ गए तो जिसमें लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो इस तरह से ये एट स्टेट हो गया और ट्वेंटी एट स्टेट अभी वर्तमान में है अब ये क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज उच्च कंट्री उच्च स्टेट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया अगर यह प्रश्न आता है तो उसमें हम राजस्थान, राजस्थान का, नाम का नाम देंगे क्योंकि इससे आपको मार्क्स आपको मिल सकता है और यह भी क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट ऑफ इंडिया तो ये गोवा का नाम इसमें आएगा हाँ एक चीज और हम बात करेंगे कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो पॉपुलेशन में सिक्किम वगैरह का नाम चला जाएगा आएगा। जी अब यहां पर अब हम देखते हैं कि इसके बाद अब नेक्स्ट जो आता है फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया जो कि एक ये चैप्टर है बहुत इसको व्यापक रूप में है और ये अपने आप में एक इतना बड़ा ये चैप्टर है जिसको कि नाइन्थ में इंट्रोड्यूस भी किया गया है और इस चैप्टर को कवर करने के लिए कम से कम दो सेशन लगेगा तब कवर हो पाएगा मगर जी छोटे जी बच्चों के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है और इसको हम अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि कि मैंने आपको पहले ही बोला था अनेकता में एकता भारत की विशेषता भारत में हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन का एक्सपीरियंस यहां पर हम लोग अनुभव करते हैं भारत में हर तरह की भूमि यहां पर देखने को मिलती है जो आप इस तरह की भूमिया है यहां पर रिलीफ या नेचर ऑफ लैंड जो है वो अलग अलग है कहीं पर पहाड़ है माउंटेन है जी। कहीं पर प्लेटू है पठार है।, है, तो है कहीं पर प्लेन्स एरिया है तो कहीं पर डिजर्ट एरिया है कहीं पर कोस्टल एरिया है तो कहीं पर आईलैंड एरिया है तो इस तरह से अगर हम देखें तो फिजिकल बाउंड्री के रूप में अगर हम पढ़ते हैं इंडिया के बारे में तो पहला हम देखेंगे कि हिमालय के बारे में हम इसको भूल नहीं सकते और ये हिमालय के लिए हमको पढ़ने के लिए पहले हमको चलना पड़ेगा ये मैप अगर बच्चे देखते हैं तो इस पर सारा फिजिकल डिविजन आपको देखने को मिलेगा ये नॉर्दर्न पार्ट यू कैन सी स्टूडेंट दियर वहां पर ब्राउन कलर जो जो है वो हमारा माउंटेनियस एरिया को शो कर रहा है और ये नॉर्दर्न माउंटेन्स के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं हालांकि ये माउंटेन एरिया जो है इसमें हिमालय का सबसे बड़ा रोल है और यह हिमालय जो है नॉर्थ वेस्ट से चलकर नॉर्थ ईस्ट तक का पार्ट जो होता है जिसमें गारो खासी जैंतिया जो हिल है ये सब इसी के पार्ट में आते हैं जो नॉर्थ ईस्ट साइड में है जिसमें हम पूर्वांचल हिल के रूप में हम देखते हैं।, देखते हैं तो ये जो है अगर हम नॉर्दर्न माउंटेन की बात करें तो हिमालय का ही पार्ट नहीं है इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है ये जो है हिमालय से अलग है ठीक है और इसको काराकोरम माउंटेन रेंज के नाम से भी हम जानते हैं अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ इंडिया अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो केटू गार्डगिन होगा जी। अगर यह पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ इंडिया ऑन हिमालय ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया तो ये हमारा कंचन जंगा होगा तो हिमालय अलग है और काराकोरम माउंटेन रेंज अलग है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास में हिंदू कुछ माउंटेन रेंज है जी, वहां से ये ये जुड़ा हुआ है और ये है काराकोरम माउंटेन रेंज और हाईएस्ट पीक पॉइंट हिमालय जो है हिमालय इज ऑल्सो डिवाइड इन द डिफरेंट पार्ट मेनली थ्री पार्ट अपर हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं लोअर मिडिल हिमालय जिसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं एंड लोअर हिमालय जिसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं तो जब यह है आपका ये हिमालय का डिवीजन या अपर हिमालय जिसको हिमाद्री जो कहा जाता है यहां पर ग्लेशियर का कवर होता है और यहीं पर आपको ग्लेशियर देखने को मिलता है सोर्सेज ऑफ द हिमालयन रिवर्स और इसी से हमारे रिवर्स को पानी जो होता है जो सालों भर मिलता है जो सदा नीरा के रूप में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं।, हैं मुझे लगता है ज्योग्राफिकल रूप में यदि देखा जाए तो भारत की जितनी ये विविधता हमें इस छोटे से सेशन में देखने के लिए मिली है इसको जितना पढ़ा जाए उतना कम होगा लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं हमें अपना आज अशोक जी ये सत्र मुझे लगता है संपन्न करना होगा लेकिन भारत के बारे में जानने के लिए अभी समय और चाहिए मुझे लगता है पार्ट टू में भी फिनिश तो नहीं हुआ होगा ये। नहीं 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 अभी तो

और फिर तीसरा वाला बेहतर तरीके से समझ सके अशोक जी आप यहाँ तक आए आपने बहुत सरल तरीके से ये ज्योग्राफी का एक पार्ट सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया जी सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आभार आपका वेलकम हमारा ये आ, सोशल साइंस का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं आप कहीं मत जाएगा थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे वेबिनार लेकर चार बज चुके हैं और चार बजे आप वेबिनार की प्रतीक्षा करते हैं तो कहीं मत जाइएगा देखते रहिए ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी हाजिर होते हैं नमस्कार